चंद्रयान 3 को चांद पर उतरे 11 दिन बीत चुके हैं। अब चांद पर सूरज ढलना शुरू हो गया है और 3 दिन बाद रात हो जाएगी। इसरो ने शनिवार को बताया कि प्रज्ञान रोवर ने अपना काम पूरा कर लिया है। इसे अब सुरक्षित रूप से पार कर स्लीप मोड में सेट कर दिया गया है। चांद पर धरती के 14 दिन के बराबर एक दिन होता है, इतनी ही बड़ी रात होती है। रात के दौरान चांद के साउथ पोल पर तापमान -238 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। 11 दिन पहले चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर विक्रम की सुरक्षित टच डाउन के बाद भारत ने इतिहास रचा था। तब से रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम ने चंद्रमा की सतह पर कई ऑपरेशन को अंजाम दिया है। रोवर की बैटरी पूरी तरह चार्ज है। रोवर को ऐसी दिशा में रखा गया है कि जब चांद पर अगला सूर्य उदय होगा तो सूर्य का प्रकाश सौर पैनलों पर पड़े। इसके रिसीवर को भी चालू रखा गया है। उम्मीद की जा रही है कि 22 सितंबर को ये फिर से काम करना शुरू करेगा। इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है कि विक्रम और प्रज्ञान धरती पर वापस नहीं आएंगे। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर ही रहेंगे। अगर ये दोनों लैंडर काम करना बंद कर दें तो दोबारा से इसके रिवाइवल को लेकर इसरो के पास कोई बी प्लान नहीं है। हालांकि विक्रम और प्रज्ञान के काम करना बंद करने के बाद भी उसे अंतरिक्ष का कबाड़ नहीं माना जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों काम करना बंद करके भी चंद्रमा की सतह पर ही रहेंगे। एक मिशन दुनिया के लिए मिसाल बना। जानकारी के लिए बता दें कि भारत पहला देश है जिसका मून मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया है। रूस के लूना 25 ने भी कोशिश जरूर की लेकिन वो फेल हुआ और चांद की सतह पर क्रैश कर गया। लेकिन धीमी गति से आगे बढ़ा भारत का चंद्रयान 3 हर पड़ाव को पार करता चला गया और दक्षिणी ध्रुव पर उसने लैंडिंग भी कर ली। बड़ी बात यह है कि जिस जगह पर भारत का चंद्रयान लैंड हुआ है उस जगह को शिव शक्ति नाम दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्ता।